स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल एरर्स इन कॉजवल एक्सप्लेनेशन जब हम uh, बनाते हैं हाइपोथेसिस तो उसमें हम कुछ एरर्स भी करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एरर है उसको हम टाटोलॉजी कहते हैं तो इट इज़ इन एरर इन एक्सप्लेनेशन इन विच द काजवल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द रिजल्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आर एक्चुअली द सेम और री स्टेटमेंट ऑफ एन अदर वन एन अदर यानी कि हम एक हाईप्रोसेस बना रहे हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जिस चीज़ वेरिएबल को कोज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली सेम वेरिएबल ही है जैसे कि अगर हम एक हाईप्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं पावर्टी इज़ कास्ट बाई है लिटल मनी तो हैविंग लिटिल मनी इज़ इट सेल्फ आ पावर्टी तो ये तो जो हम यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको ड्यूम करें वो तो इज़ इट सेल्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस इस तरह की सिचुएशन में जब हमारा हाइपास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हाइपोसिस का वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है इस एरर को हम टाटोलॉजी कहते हैं टेलियोलॉलोजी तो इट इज इन एरर इन एक्सप्लेनेशन इन विच द काजअल रिलेशनशिप इज इम्पेरिकली अनटेस्टेबल ये एक ऐसा एरर है जिसमें हम जो हाइपोसिस फ्रेम करें वो अनटेस्टेबल है बिकॉज द काजल फैक्टर डज नॉट कम अर्लियर इन टाइम दैन द रिजल्ट और बिकॉज द काजवल फैक्टर इज़ अ वेग वन तो हम इसमें जो इंडिपेंडेंट जिस चीज़ को ज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअली कॉज नहीं है और वो इन अगर उसको हिस्टोरिकली देखें तो वो आ, वो उस फिनिना में पहले नहीं आता बल्कि बाद में आता है इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पीपल गैट गेट मैरिड इन रिलीजियस सैरमनीज बिकॉज सोसाइटी वांट्स देम टू टू डू सो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग जो है हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि रिलीजियस सैरमनीज़ में शादियां करती हैं कि माशरा ऐसा चाहता है अब ये एक वेग है है ये टेलीलॉजी का शिकार है क्योंकि जो कोई भी हम अगर देखते हैं रिलीजन उसमें बाकायदा चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे जो है मैरिज का जो है वो हम अनाउंस करते हैं और मैरिज कब होती है जैसे कि इस्लाम में निकाह का तस्वर है तो निकाह का जो ये जो एक्ट है ये तो अब, अब हम अगर इसको रिलीजियस कहेंगे एक्ट है तो ये तो फिर लोग करते हैं ऐसे ही करते हैं अगर हिंदुज़म में हम देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो फेरे लगाते हैं आ, या आ, एक तलक लगाते हैं तो वो तो उनके रस्म व रिवाज हिंदुज़म के मुताबिक है अगर अब हम उसको एक मजहबी सरगर्मी कह रहे हैं तो, तो ये एक पोटेंशल एरर है तो इसी तरह हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब हम हाइपोथेसिस बनाएं तो वो टाटोलॉजी और टेलोलोलॉजी का शिकार ना हो